लोगों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और पुलिस भी वहां पर बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। गोगामेड़ी हत्याकांड पर लगातार तस्वीरें और अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। शूटर नितिन और रोहित पुलिस गिरफ्त से अब भी दूर हैं। 24 घंटे बाद भी ये दोनों शूटर अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं और लगातार इनकी गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। हरियाणा का रहने वाला नितिन और रोहित का करीबी बताया जा रहा है। जयपुर में रहकर नितिन के पढ़ाई करने की जानकारी मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से लेकर राजधानी, जहां पर यह हत्याकांड, और इसके साथ साथ तस्वीरें जैसलमेर से, बूंदी से, कोटा से, पाली से, जोधपुर, अजमेर, बारा, अलवर और राजसमंद से भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में राजपूत करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी राजपूत करणी सेना के आपने सुना, जो एक तरफ लोगों से ये अपील भी कर रहे थे कि शांति बनाए रखें, तो वहीं दूसरी ओर उनका ये भी कहना था कि जो परिवार की ओर से मांगे की गई हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उनके परिवार को न्याय मिल सके। कोटा उदयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और लगातार लोग सभी मांगों को पूरी करने की मांग करती हुए नजर आ रहे हैं। तो गोगामेड़ी मर्डर पर बड़ी खबर, फोन पर राज्यपाल ने गृह मंत्री से बातचीत की। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार राज्यपाल भी नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उपलब्ध करवाएगी। केंद्रीय गृह सचिव ने सीएस से इस मामले पर चर्चा भी की है। तो राज्यपाल ने इससे पहले एक और मीटिंग भी की थी और अब गृह मंत्री से फोन पर बातचीत की गई है और 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस उपलब्ध केंद्र सरकार की ओर से कराए जाने हैं, जिससे कि जो राज्य में सुरक्षा व्यवस्था है उसे और भी ज्यादा खास किया जा सके। क्योंकि बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और परिवार के लिए न्याय की मांग की जा रही है। तो केंद्रीय गृह सचिव ने सीएस से इस पूरे मामले पर चर्चा भी की है, ताजा हालातों को लेकर जानकारी भी इकट्ठा की गई है। सुधीर शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, अब ये बड़ी सूचना आ रही है कि केंद्रीय गृह सचिव ने सीएस से भी इस पूरे मामले पर चर्चा की, और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये निकल के आया है कि अभी वर्तमान में प्रदेश में मौजूदा जो सरकार थी, चुनाव के बाद में वो चली गई है और नई सरकार का अभी गठन नहीं हुआ है। ऐसे में पूरी निगाहें, पूरी इस घटनाक्रम की निगाहें या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो राजभवन पे आगे टिक जाती है। राज्यपाल कलराज मिश्र को लेकर पूरे एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल भी डीजीपी से पूरी जानकारी ली थी और आज ये बातचीत की है। और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच में अभी इस मामले को लेकर पूरी तथ्यात्मक बातचीत हुई है। उसके बाद में सीएस की और केंद्रीय गृह सचिव के इस बारे में बात की थी कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 पैरामिलिट्री फोर्सेज की कंपनियां यहाँ पर तैनात की जाएगी, जो पूरी तरह शांति के लिए काम करने वाली है। किसी भी तरह की जो स्थिति होती है उसके निपटने के लिए वो मौजूद होगी। जी बिल्कुल सुधीर, केंद्र सरकार खुद इस पूरे मामले पर गंभीर है, गृह मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं लगातार। बिल्कुल, क्योंकि पूरे स्टेट में भी देखेंगे तो यहाँ पर अभी चुनी हुई सरकार ने भी काम करना शुरू नहीं किया है, नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बन जाती है कि किसी भी स्टेट में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखे, अगर किसी इस तरह की घटनाएं जो अप्रिय घटनाएं हो जाती है उसको लेकर। और इसीलिए केंद्र सरकार ने यह पूरी आश्वस्त किया है राजभवन को और राज्यपाल को कि वो जो जो सरकार और प्रशासनिक अमले के तौर पे कुछ डिमांड केंद्र सरकार की की जाएगी वो पूरी की जाएगी। लिहाजा अभी फिलहाल जो 3 पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो कंपनी है वो प्रदेश के लिए आएगी और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में काम करेगी। क्योंकि तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं सुधीर, बड़ी संख्या में न सिर्फ जयपुर में बल्कि अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर निकले हैं। 3 पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र सरकार की ओर से भेजे जा रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है इसमें? जी बिल्कुल, जिस तरह से सीएस जो उषा शर्मा है उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से बात की है, जिन जिन स्थानों के लिए प्रशासनिक अमले के तौर पे जहां अप्रिय घटनाएं किसी तरह की होती है, शांति बनाए रखने की जरूरत है, वहां वहां उनको तैनात किया जाएगा। जी, और घर वालों की चूंकि अगर हम बात करें तो 8 मांगे उनकी ओर से रखी गई है सुधीर, मौखिक रूप से सहमति बन गई, उनका कहना है कि पहले लिखित रूप से आश्वासन दिया जाए, कहां पर मामला अटक रहा है? ये चीजें जो चलती है, इस तरह की घटनाएं होती है उसके बाद में मांग और मांग को पूरी करने की जहां तक बात होती है वो आपसी सहमति के आधार पर होती है, क्योंकि धीरे धीरे दोनों पक्षों की आपसी सहमति होगी, उसके आधार पर ये सब चीजें तय होगी और जल्द ही